ए मयूर, हम यहीं सो जाते हैं यार। ठीक है भाई। अरे विकास, हमारा बैग गायब है। अरे यहीं तो रखा था। अरे क्या हुआ यार? अरे मयूर, बैग गायब हो गया। बैग गायब हो गया? बैग कौन लेकर गया होगा? देखो, चलो यही कहीं होगा। चल के देखते हैं। ऐसे देखो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो आ जाओ। वहाँ देख, ध्यान से देखो, चल कहीं होगा। यही पर तो रखा था। अब क्या होगा? मैंने सारे पैसे बैग के अंदर ही डाले थे यार। बिना पैसे के हम क्या करेंगे यार? ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? सोचो हम लोग खाली पेट कैसे रहेंगे। हाँ यार विकास, क्या करें अब हम। अरे विकास, मुझसे और नहीं चला जा रहा, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे भी। कुछ जुगाड़ करते हैं ना। हे, तूने मेरा अंडा कैसे उठाया? मैंने तेरा अंडा कब लिया? ये मेरा अंडा है। ये मेरा अंडा था, मेरा अंडा है। तूने लिया था। मेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ऐसे बोलेगी? मेरा अंडा है ये। क्या कर लेगा तू? मुझे मेरा अंडा वापस कर। तुम लोग क्या हुआ भाई? ये मेरा अंडा है, नहीं दे रहा ये। खाना पीना बहुत हुआ, तुम लोग चलो 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 आ जाओ। पूरे टेबल को गंदा कर दिया इन्होंने। चलो चलो चलो। क्या हुआ सत्या? ये लोग लड़ाई कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर, इसने मेरा अंडा खा लिया सर। ए, इन्होंने पैसे दिए? नहीं साहब। चलो पैसे दो। सर वो मेरा दोस्त देगा सर। यहाँ लेकर आओ, जाओ। ठीक है। ए, वो दोनों तुम्हारे दोस्त है ना? चलो चलो जल्दी चलो। एक बार में सुनाई नहीं देता। चलो चलो। ये रहा भैया। ये दोनों तुम्हारे दोस्त है क्या अंकल? ये बोल रहे हैं कि खाने के पैसे तुम दोगे। पैसे दो। इधर उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? ए, क्या हुआ? जल्दी कर, हमारे पीछे आ रहा है। आना रुकने के लिए, पकड़ में आ गए तो बहुत मारूंगा। ए, रुक जा। ए विकास, जल्दी निकालो मेरे, जल्दी निकाल। ऐसे अंधे हो क्या तुम लोग? देख कर नहीं चल सकते हो क्या? ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? सर, इन लोगों ने होटल में खाना खा के पैसे नहीं दिए। बिना पैसे दिए क्यों भाग रहे थे? सर, हमें बहुत भूख लगी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे देने? 300 रुपए सर। सर चेंज रख लो अपने पास, पैसे नहीं थे इसीलिए भागे थे ना। चोर मत समझना इनको, जाओ आप। थैंक्स सर। कहाँ रहते हो तुम सब? धर्मपुरी से सर। यहाँ क्या करने आए हो? काम की तलाश में आए हैं। ये उम्र है काम करने की? माँ बाप नहीं है क्या? पापा नहीं है सर। क्या काम आता है तुम्हें? कोई भी काम होगा हम करेंगे सर। ठीक है, तुम सबको एक काम दूंगा मैं। ठीक है, चलो कार में बैठो। थैंक यू सर। चलो बाहर आओ। ए मूर्ति, जाके कार पार्क कर दे। हाँ। और लड़कों को अंदर लेके आ। ठीक है भाई, आओ आओ, चलो अंदर आ जाओ। अरे जल्दी पानी भरो ना, हमारी भी बारी आने वाली है। दो मिनट रुक जाओ ना। क्या देख रही है? देखो इस औरत को, कैसा राक्षस पैदा किया है इसने, जो मेरे बच्चे को बहला फुसला कर पता नहीं कहाँ जहन्नुम में भगा ले गया है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तमीज नहीं सिखाई क्या माँ बाप ने? अगर मैं कहूँ तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को भगाया तो क्या कहोगी तुम? हाँ, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, पहले ही तुम्हें बता देती हूँ। अरे हाँ, इन सब की जड़ तेरा बेटा और तेरे बेटे को बिगाड़ने वाला इसका बेटा, उनके चक्कर में मेरा बेटा पिस गया। तेरा बेटा तो इन सबका नेता है। चुप होकर निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे चार पैसे मारूंगी। निकल जी, बेचारे मेरे बेटे को फंसा दिया। निकल यहाँ से, जा रही तो चार मारूंगी तुझे। तू मुझे मारेगी? आओ अभी। लोग
हाँ, खा पी कर आराम कर लिया ना? हाँ, हाँ भैया। तुमने खाया? हाँ खा लिया। तुम लोगों को यही काम करना है? ठीक है भैया। ठीक है ना? इसके बाद मैं दूसरा काम दूंगा। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है ना? हाँ। ए मूर्ति। हाँ भाई। ये सभी बच्चे अनाथ हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है ना? ठीक है भाई। कोई परेशानी ना हो। नहीं होगी भाई। तुम सब यही आराम से रहो, कोई चिंता नहीं। देखो बच्चों, तुम्हें अच्छे से काम करना पड़ेगा, समझ गए ना? और सुनो, शुरुआत में बर्तन भी धोने पड़े तो मुंह मत बनाना, क्योंकि बाकी के काम तुम नहीं कर पाओगे, समझ गए? जैसे जैसे काम सीखोगे लेवल बढ़ता जाएगा, बाद में कार बंगला सब कुछ मिलेगा। तुम ऐसे गरीब बनकर नहीं रहोगे, समझ गए ना? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब जाओ और अच्छे से काम पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। हम अच्छे से काम करेंगे। हाँ, ठीक है। चल यार, ये मुझे देना। अरे दीदी, आओ आओ, जरा इधर आओ ना। क्या है बहन, मेरा बेटा आया था क्या? नहीं तो। अरे ठीक है बहन। भैया कौन है? भैया। अच्छा तुम हो क्या? मेरा बेटा लापता है। हाँ। मैं ये देखने आया था कि कहीं वो यहाँ तो नहीं आया, आपने देखा है उसे? यहाँ तो कोई नहीं आया बेटा। नहीं आया? कहीं और पता लगा। हाँ। हाँ। कहाँ गया होगा? अरे बहन। हाँ? मेरे बेटे को कहीं तुमने देखा है क्या? नहीं भैया। इस तरफ आया था क्या? इधर तो नहीं आया। नहीं आया था? कहाँ गया होगा? भाई मालिक आ चुके हैं, आज सबका हिसाब करेंगे। अच्छा। भैया इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? आज मालिक हमें पैसे देंगे। अरे वाह, आज हमें पैसे मिलेंगे यार, जल्दी से हाथ धो के चलो ना। हे, हम ऐसे ही पैसे जोड़ेंगे और एक दिन गोपी भैया जैसे गांव जाएंगे। अरे उनके जैसे नहीं, हम तो कार में जाएंगे। हाँ हाँ सही कहा। ठीक है मालिक, चलता हूँ। हे, यहाँ क्या करने आए हो? सैलरी लेने आए हैं सर। यहाँ सिर्फ काम करने वालों को सैलरी मिलती है। भैया हम भी तो यहाँ पर काम करते हैं ना। हे, ये बात तुम लोग बाहर कहीं बोल मत देना, पुलिस चाइल्ड लेबर केस में मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। तुम लोग कोई वर्कर नहीं हो, मेहमान हो मेरे तुम लोग। मूर्ति, ये बच्चे बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। इन्हें वो सब दो जो ये चाहते हैं। समझ गया ना? समझ गया भाई। जाओ। चलो आओ। भैया हमें अकेले में आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे लगता है भैया हमें तीन गुना ज्यादा पैसे देने वाले हैं, सबके सामने देंगे तो लोग पूछेंगे ना उनसे, है ना भैया? हाँ मेरे प्यारे, तू बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इन सब में तू ही समझदार है। चल अब आ जा। बताता हूँ, मालिक के सामने खड़े होने से भी लोग कांपते हैं, और तुम लोगों को सैलरी चाहिए? और तू क्या कह रहा था रे बौने, तुझे तीन गुना सैलरी चाहिए? अब भी देता हूँ सैलरी तुम्हें। तीन गुना क्या, मैं तुम्हें पांच गुना सैलरी दूंगा। सैलरी मांगोगे? सैलरी मांगोगे? सैलरी मांगोगे? ऐसा चाहिए? तीन गुना चाहिए? तीन गुना चाहिए? ये ले तीन गुना और चाहिए। दोबारा सैलरी मांगने की इच्छा हो तो मुझे बताना, अगली बार दस गुना दूंगा। मालिक से सैलरी मांगते हैं, अगली बार सैलरी मांगी तो काट के रख दूंगा। सैलरी चाहिए? मेरे पापा ने भी कभी मुझे ऐसे नहीं मारा जैसे ये हमें मार रहा है। नमस्ते सर।
हाँ नमस्ते सर, हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें यहाँ से बाहर जाना, हमें बचा लीजिए सर, एक बार लीजिए ना सर। रूबी जल्दी चल, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो तू भी जल्दी जल्दी चल ना। अरे सुनो, तुम्हारा बेटा उठा या सो ही रहा है? नहीं उठा, अभी तक सो ही रहा है, जाकर देखो। इसकी बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी तो सारे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। सोने दो ना पापा। अरे सोने दो। अभी बताता हूँ इसे, डंडा का है मेरा, ट्यूशन नहीं जाना है। जब तक इसकी पिटाई नहीं करूंगा ना, ये सुधरने वाला नहीं है। Hey, मैंने तुझे ट्यूशन जाने के लिए बोला था ना, और तू यहाँ पर आकर मारपीट कर रहा है, तेरी तो रुक जा, आज तेरी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। डिम्पी, डिम्पी, चप्पल से मारूंगी, वो तुझसे बड़ी है, समझ में नहीं आता क्या? तू उसे नाम लेकर पुकारता है, तेरी तो। मैं ही थोड़ी ना उसका नाम लेता हूँ, सारे बच्चे लेते हैं। जो भी उसका नाम ले रहा है, यहाँ लेकर आ उसे, सबकी जीप काट दूंगी मैं। बेटा, तुझे ट्यूशन के लिए बुलाने आया है, तू छोड़ दे, मैं बर्तन मांज दूंगी, तू जा। वजन देखकर ठीक से रख दो। अरे तुम्हें दिखता नहीं है, मैं ध्यान से ही रख रही हूँ। अरे यार, उसकी फसल है ना, इसलिए उसका ऐसा बोलना बनता हाँ, है। इसकी जिम्मेदारी पापा ने मुझे दी है, इसलिए ध्यान से रखो। अरे बहन सुनती हो, तुम्हारा बेटा आ गया है, देखने में बिल्कुल राजा जैसा लगता है। चलो बहन जल्दी आ जाओ। हे भगवान, मेरा बेटा वापस आ गया। चलिए जी, हमारा बेटा वापस आ गया है। लोग बोलते हैं वही पागल है वो। कुछ भी बोलते हैं लोग, दिखने में राजा लगता है। हम भी चलकर देखें क्या? चलो देखते हैं। कितने पैसे हुए? अरे क्या हुआ चाचा, मुझे पहचाना नहीं क्या? तू तो बेटा बचपन में ही गांव छोड़ के चला गया था। अरे वाह, आपने तो पहचान लिया। देखो कितना बड़ा हो गया, कैसा है तू? आज भी आपके मूंछें वैसी की वैसी हैं। सब लोग यहाँ पर ठीक तो है ना? ठीक है, सब ठीक है। इसको सब याद है, भूला नहीं है। पहचाना मुझे?
तू पेरूमल का बेटा है ना? उन्हीं का बेटा हूँ मैं। दादी आपके दांत भी नहीं गिरे अभी। गोपी है ना तू? हाँ मैं ही हूँ। वैसे मेरे बाबूजी कहाँ हैं? अरे बेटा तू आ गया, कैसा है? कैसा है तू? तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? इतना गुस्सा हो गया था तू? अब कभी हमारे बारे में सोचा? अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? मैं तो आ गया हूँ ना। हम सब ने कितना ढूंढा तुझे, कहाँ गया था तू? अरे मैं आ गया हूँ ना, रो क्यों रहे हैं आप लोग? मेरा बेटा आ गया। रोइए मत माँ, चुप हो जाइए। तू तो एकदम राजा लग रहा है। फिक्र मत करिए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। भैया कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, आपका बेटा बहुत बड़ा बनेगा, देखा ना कितना पैसे वाला हो गया। शाबाश शाबाश। अरे बाहर क्यों खड़ा किया है, ले जाओ इसे अंदर, ले जाओ, चलो ले जाओ। आ जाओ। ए मयूर, गोपी भैया के जूते देखे क्या तुम दोनों ने? कितने चमक रहे थे ना। हे क्या तुमने उनका बैग देखा? जैसे पिक्चर में हीरो रखते हैं ना, वैसा ही लग रहा था बिल्कुल। हे तूने उसे देखा था ना, एकदम हीरो लग रहा था वो। हमें भी वैसे ही पैसे कमाने हैं। हाँ यार, पैसे कमाएंगे और कार खरीदेंगे। हाँ यार। ए छोटू, देर हो गई और तू यहाँ इमली तोड़ रहा है, बैठ मेरे साथ, छोड़ देती हूँ, चल। ठीक से बैठना। हाँ टाइम पे आ जाना चेलो, वरना स्कूल में घुस नहीं पाओगे। अरे यार स्कूल का गेट तो बंद हो गया। जाओ जाकर साइड में खड़े हो जाओ। हमें जाने दो ना। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग। देख मैथ्स की टीचर भी आ रही है। मैंने तो सारे पेपर चेक कर लिए। रोज लेट आते हैं ये लड़के। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, बहुत बदमाश हो गए। अंकल जब हम लेट से आए तो गेट बंद कर दिया, फिर इन्हें क्यों अंदर जाने दिया? ए चुप हो जाओ, हेडमास्टर साहब आ रहे हैं। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उनको क्यों नहीं बोलते? अब उनको क्या बोलूं मैं, सब लोग लेट ही तो आते हैं। आइए सर। इनकी तो हर दिन ऐसे लेट आने की आदत हो गई है। क्यों लेट हो गए? सर लेट हो गए हम लोग। हाँ पता है, पर क्यों हो गए? बस ऐसे ही। मैंने पूछा कि क्यों लेट हो गए? हो गए हम लोग। बात को रिपीट क्यों कर रहे हो? पूछ रहा हूँ कि लेट क्यों हो गए, बताओ, बता लेट क्यों हुआ? सर घर पर खाना देर से बना। मेरे घर में भी। दोनों के घर में खाना देर से बनता है। सर गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ शैतानो, अब कोई मौज मस्ती नहीं होगी। हाँ सर। अभी सबको सबक सिखाऊंगा, सारे के सारे शैतान तैयार हो जाओ। तो शैतानो, हमारे स्कूल के दूसरी क्लासों में जो पीछे बच्चे बैठते हैं सब फेल हो गए, लेकिन हमारी क्लास में तीन ऐसे मक्कार हैं जो आगे बैठते हैं, फिर भी वो हर बार फेल होते हैं। इन तीनों ने मेरा नाम खराब कर दिया है। आज पूरी क्लास में उनके बारे में बताऊंगा। 100 में पूरे 0 आए हैं। ये लो पकड़िए सर। माफी चाहता हूं कि मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा पाया कि आप पास हो जाएं, इसलिए मैं आपका टीचर बनने के लायक ही नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे सजा दीजिए। नहीं सर। मारिए मुझे सर। क्या आप मेरे सर हैं सर? तो मारिए सर। नहीं सर। क्या कहा? नहीं सर। नहीं सर। ऐसा है तो ये मुझे दे दो और हाथ आगे करके आगे आ जाओ। नहीं सर।
कितनी बार तुम लोग को बोला इस लड़के से सीखो, लगातार अच्छे नंबरों से पास होता है। पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर यही लेकर आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ, हमारे क्लास का सबसे होनहार बच्चा है। थैंक यू सर। सभी बच्चे ऐसे ही बनो। ए, ये भी तुम्हारे गांव से ही आता है, कब इसकी बराबरी करोगे? घर हो या स्कूल, बस शैतानी करते हो। छे, अगर पढ़ना है तो इसकी तरह पढ़ो, माँ बाप को क्यों परेशान कर रहे हो? ये क्या मैडम, आधा अंडा क्यों? मुझे भी पूरा अंडा दो। तेरे साइज के हिसाब से बड़ा है। इतना सा तो इतना ही मिलेगा ना उसे। ये क्या, तेरे साइज का अंडा मिला है तुझे? सही कहा ना, दोनों का साइज बराबर है। हे, तूने मेरा अंडा क्यों खाया? मजाक क्यों उड़ाया मेरा? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक जा, छोड़ूंगा तेरी। देखो क्या कर सकता हूँ। और मजाक करेगा मेरे साथ? और मारता भी है। मुझे बताता हूँ। तुझे उस जगह के बारे में पता है? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। अच्छा, उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है, नमकीन पानी की वजह से वो साफ हो गया है। ओह, मुझे पता ही नहीं था। एकदम महंगी घड़ी और जूते पहनकर वो हीरो बन जाएगा। इधर आओ। हाँ बोलिए ना भाई। मेरा एक काम करोगे? वो जो दीदी जा रही है ना, उन्हें बोलना कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ। वो किस लिए भैया? तू जाना यार। दीदी दीदी दीदी, दीदी। भैया ने मुझे आपको रोकने के लिए कहा, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हे, तूने इनकी शैतानी को? इनसे ऐसा करने को बोला इसीलिए इन्होंने हमें रोका। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बात करके आ जाऊंगी। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ है ना? हे विकास, लगता है दोनों का चक्कर चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रुक जाओ। हे, आज इतना पीछे कैसे रह गया? मुझे क्या पता। और ये पीछे वाला कृष्णवेणी की साइकिल क्यों लेकर आ रहा है? तू इतना पीछे क्यों रह गया? वो तो कब की चली गई? उसकी साइकिल पंचर हो गई थी, उसने मुझे साइकिल बनाने को दी और खुद रूबी के साथ निकल गई। अब मैं समझा, वो तुझे क्यों लटका के घूमती है, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। हे, कल साइंस का टेस्ट है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कल शनिवार है, छुट्टी है यार। सच में क्या? पर मंडे को तो टेस्ट देना होगा ना। हे, उस दिन तो त्योहार है यार, हम लोग देख लेंगे। कहाँ हो तुम? अरे कुप्पू स्वामी, अरे तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आओ। कैसे कैसे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बच्चों को? जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। ये क्या है? कैसे बच्चे हैं तुम्हारे? लग रही है। सब के सब चोर हैं। बाहर आओ, पूरे गांव को सर पे उठा के रखा क्या है। हो गया? बाहर आओ, आओ बाहर आओ, इधर आओ। क्यों, तुमने चोरों को जन्म दिया है क्या? क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने मेरे बगीचे से आम चुराए हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बगीचे से अमरूद चोरी किए हैं। अरे ऐसा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तुम्हारे बेटे ने मेरे खेत से नारियल चुराए हैं। देखो बहन, ये सब तुम्हारे बच्चों ने किया है। क्या बक रहे हो, मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। क्या कहा? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुमने बोल दिया तो क्या हो गया? चोर तुम्हारा बच्चा ही है और मेरे पास सबूत भी है। वो घर पर होगा, उसे यहाँ लेकर आओ। लेकर आओ उसे मेरे सामने, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चोर है कि नहीं। भैया सब लोग देख रहे हैं। भैया उसने नादानी में ऐसा किया होगा, उसे माफ कर दो ना, अगली बार वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। नादानी वादानी कुछ नहीं, तुम लोग अपने बच्चों को डांटते नहीं और इसीलिए वो चोरी करते हैं। भाई, आखिरी बार तुम लोगों को समझा के जा रहा हूँ। अगर अगली बार चोरी हुई तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगा। समझा देना अपने बच्चों को। चलो
ये लड़का दिन ब दिन दोनों के साथ रहकर बिगड़ता ही जा रहा है। इधर आ, तुम सबके खर्चे के लिए अकेला कमाने वाला हूं मैं। घर बैठे तुम्हें हर चीज ला करके देता हूं। मैं खुद सादा खाना खाता हूं ताकि तुम्हारे मन का तुम्हें खिला पाऊं, ताकि तुम्हें किसी चीज का कष्ट ना हो। फिर भी तुम बागीचे में जाके चोरी करते हो। लोग अब मुझे चोर का बाप बोलते हैं। मुझे माफ कर दो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा आगे से। ए, पापा, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा। पापा, क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पापा माफ कर दो ना, गलती हो गई मुझसे। चोरी करेगा? करेगा? चल अंदर, अंदर चल। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो जान से मार डालूंगा तुझे। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। पापा 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 पापा, ये क्या हो गया? तेरी अभी तक मैं घर पर ही था ना, तब तुझे नहीं बोला था। पापा रिजल्ट पर साइन कर दीजिए ना। दिखा, इसमें से कौन सा नंबर तेरा है? ये वाला 156 वाला। हाँ, लेकिन पापा, पेपर तो 100 नंबर का होता है। होशियार बच्चे 100 नंबर लाते हैं और ज्यादा होशियार 156 नंबर। अरे देखा ना तुमने, मेरा बेटा सबसे होशियार है। आप सही कह रहे हैं, हमारा बेटा बहुत तेज है। अरे मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। तू पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा ना? ठीक है पापा। ठीक है, अंगूठा कैसे लगाऊं? देखा ना हमारा बेटा कितना होशियार है। ये लो बेटा, मेरा खूब नाम रोशन करना। अब मैं काम पर जाता हूँ। बहुत पढ़ाई करनी है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, फिर मेरी परेशानी खत्म। अरे सुनो, जहां पर हमने कल काम किया था आज भी वही काम करना है। ठीक है ठीक है, वही वाला ना। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सब के सब बेकार हैं। कौन? तुम्हारा बेटा ही ना। हाँ यार, साइकिल भी साफ करने के लिए बोलता हूँ ना तो ढंग से साफ नहीं करता, हाथ लगाएगा तो खराब करता है। पता है आज खुद ही साइकिल साफ करने बैठ गया। फिर क्या? ऐसी सफाई की कि देख करके दिल ही खुश हो गया। उसके बाद अपना रिजल्ट लेके मेरे सामने आया। ये सब कुछ उसने साइन करने के लिए किया था। कितने चापलूस हो गए। तो क्या हुआ, वो तो तुझ पर ही गया है ना। ए कुप्पू, चिंता मत कर, चिंता मत कर, पास होने पर नंबर लाया ना। अरे नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट में फेल है। फेल हो गया? सच में? अभी मौका है, अपने बेटे को समझाओ कि ध्यान से पढ़ाई करे और उस पर नजर रखो, नहीं तो सड़क पर आ जाओगे तुम। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है भाई। क्यों, सड़क पर आना कोई मुश्किल काम है क्या? ए, चुप रहो यार, मेरा बेटा कितने नंबर लाया है पता है क्या? 100 में से 156 नंबर लाया है। 100 में 156? अरे भाई, पेपर तो 100 नंबर का ही होता है ना। अरे 100 नंबर तो होशियार बच्चे लाते हैं, जो होशियार में भी ज्यादा होशियार होते हैं वो 156 नंबर लाते हैं। अरे यार क्या बकबक किए जा रहा है, एक विषय के 100 नंबर होते हैं और 5 विषय मिलाकर 500 बनते हैं। मेरे हिसाब से उसे 156 नंबर मिले होंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाकर उसने सिग्नेचर करा लिए। इतना छोटा है और अपने बाप को बेवकूफ बना रहा है। रुको, मैं उसे घर जाकर बताता हूँ। अच्छा तुम्हारा बेटा कितने नंबर से पास हुआ है? उसने तो मुझे अपनी मार्कशीट ही नहीं दिखाई। देख लो, इसका बेटा तो हमारे वाले से भी 2 कदम आगे निकला। आज मैं छेनी लेकर पत्थर की जगह उसकी पीठ पर दरार करूंगा। तुम लोगों ने रिजल्ट पर साइन करवा लिया? करवा लिया मैंने। मैंने तो पापा को बताया ही नहीं। क्या हुआ? देखो सर आ रहे हैं। ये सब वहाँ क्यों खड़े हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सब? ये ऐसे बच्चे तो है नहीं कि किसी को इतना सम्मान दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे सुनो, क्या सर, ये बच्चे किसको गुड मॉर्निंग बोल रहे थे?
स्कूल से कोई टीचर आया था क्या यहाँ पे? यहाँ कोई टीचर नहीं आया सर, वो सारे इस फोटो को गुड मॉर्निंग बोल कर गए हैं। फोटो? अब तो ये बात है, क्या क्या दिन देखना पड़ता है टीचर बनके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी शैतान आ गए क्या? हाँ सर। अपना होमवर्क निकालो और सीट पे रखो। तो पहली शैतान खड़ी हो जाओ। सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। ए, खड़े हो जाओ। वो देख सर ने उसे पकड़ लिया। चुपचाप बेंच पे खड़े हो जाओ। क्यों, क्या बोल रहा था तू? सर इधर देख, दोबारा से नकल करके दिखा। कौन से सर की? अभी तूने मेरी नकल की थी ना, वही करके दिखा। सर वो तो अगर तूने नहीं दिखाया तो मैं दिखाऊंगा तुझे। सर गलती हो गई सर। तेरी चमड़ी उधर दूंगा, उतर नीचे। छोटा सा है, जरा शैतानी देखो, उतर। शैतान मिमिक्री करेगा मेरी, मिमिक्री मक्कार कहीं का। अगर दोबारा ऐसा किया तो याद रखना सब बदतमीज यहीं इकट्ठा है। सबने अपने रिपोर्ट कार्ड पे सिग्नेचर करवा लिया? हाँ सर। रामकृष्णा सर, सबके कार्ड इकट्ठे करके लेके आओ। ओके सर। ये लो, ये लो, ये लो। सबसे कलेक्ट कर लिया ना? कलेक्ट कर लिया सर। मयूर आओ। सर खड़े होके देख क्या रहा है, इधर आ। ए जल्दी आ, ये किसके अंगूठे का निशान है? मेरे पापा के है सर। सच बता मुझे, निशान किसके हैं? सच में उनके ही हैं सर। झूठ मत बोल मुझसे, बहुत लगाऊंगा तुझे। पापा के ही हैं सर। झूठ मत बोल, सच बता, तुम्हारे पापा के ही हैं? कसम से सर, इसी के पापा के हैं। तू भी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। सर हाथ दिखा। क्या तू उसका बाप है? रामकृष्ण छड़ी लेकर आओ। कितना भी समझाऊं तेरी शैतानी खत्म नहीं होगी। बेटा तू सुधरने वाला नहीं है, तू रहेगा शैतान का शैतान ही। फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, बाप बनता है। इधर इधर इधर, बिना छड़ी के तुम लोग नहीं सुधरते शैतान। चल चल चल, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा। चल बात, चल बात, सॉरी ना सर। चल सुन, ए सुन, तुझसे बोल रहा हूँ, ये रामकृष्ण भी तेरे ही गांव का है। कितना अच्छा लड़का है, हमेशा पढ़ाई में टॉप करता है, लेकिन तुम इतने मक्कार कैसे हो गए? हैं? मार मार कर मेरे हाथों में दर्द होने लगता है। नहीं पढ़ना है तो घर में बैठो ना, अपने माँ बाप को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं नालायक कहीं के। हंसले हंसले, ये तेरी आखिरी हंसी होगी। आज ये स्कूल में बहुत मार खाया, इसने मयूर के पापा की जगह अपनी साइन मार दी थी। हाँ, इसीलिए तो सर ने मारा। इस रामकृष्ण को देखकर मेरा खून खौल जाता है। मेरा भी यार, पर क्यों? देखा नहीं सर हमें डांट रहे थे तो कैसे हंस रहा था, अब देखना हर कोई उस पर हंसेगा। समझ में नहीं आता क्या टीचर को? ये कहाँ जा रहा है? अरे कौशिक कहाँ जा रहा है, हम भी आ रहे हैं। चलो देखते। अरे रुकना, कहाँ जा रहा है? अरे कौशिक रुक जा, हम भी आ रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है? हम भी आ रहे हैं। अरे वो देखो कितना बड़ा कछुआ है। कहाँ है? कहाँ कहाँ? वाह उधर वो देखो। अरे कहाँ है? देखो ना वहीं पे तो है। अरे कहाँ से कहाँ से बदली का क्या? सच में बोलता है? देखो ना वहाँ पे कितना बड़ा कछुआ है, देखो ना वो, देखो वहाँ पर कछुआ है, वो देख। तुम्हें दिखा क्या? दिखा रहा तुझे? हाँ बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, सामने देखना, सामने कितना बड़ा कछुआ है, आज तक नहीं देखा। वो वही है, कुछ नहीं बात मार। हाँ मुझे देखना कितना बड़ा है, वो देख पानी के अंदर है। देख उसकी परछाई दिख रही थोड़ी थोड़ी, तुम्हें दिख रहा है क्या? हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। देखना कहाँ उस तरफ साइड से जा रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुझे दिखाई दे रहा है? देख कहाँ, किस तरफ? मुझे देख कर हंसा था ना, देखना कहाँ। अरे कब से तुझे दिखा रहा हूँ, देखना।
इतनी बड़ी बात को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने कितनी बार बोला था कि उसके आसपास मत भटकना। ए यशोदा, पहले बाहर निकल तू। क्यों बहन, क्या हो गया? क्या हो गया, इसे देखो, तुम्हारे लड़के ने मेरे बेटे को कुएं में ढकेल दिया। देखो उसके हाथ में कितनी चोट आई है, अभी हॉस्पिटल से आ रही हूं। बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा, ये खुद गिर गया होगा, बेकार में मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। तो ऐसे ही तुमने उसकी परवरिश की है, बुलाओ अपने बौने को यहाँ। देखो बहन, मेरे बेटे को कभी बौना मत बोलना, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ए, इधर आ, क्या बात है? एक तो तेरे बेटे ने गलती की, उस पर से तू गर्मी दिखा रहा है। ए, मैंने क्या गर्मी दिखाई की? मेरे बेटे को बौना बोल रही है तो अपने लड़के को समझा रहा है। क्या है? देखो इसको, इसके बेटे ने मेरे बेटे को कुएं में धकेल दिया था, देखो इसका हाल, और ऊपर से ये गर्मी दिखा रहा है, क्या समझता है ये अपने आप को? मेरे लड़के ने क्या बोल रहे हो? क्या शांत हो जाऊं, इतनी बड़ी बात हो गई, कैसे शांत हो जाऊं? जिंदगी मजाक लगती है क्या किसी को? अरे क्या चल रहा है वहाँ? अरे इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इसके बेटे ने मेरे बेटे को कुएं में धकेल दिया और मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है तू? ये तो रोज ही लड़ते रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। अरे देखो आपस में मारपीट हो रही है, चलो देखते हैं। इधर देखो साहब, इनके बच्चों ने मेरे बेटे को कुएं में धकेल दिया, इसके हाथों में बड़ी चोट आई है और ये लोग मेरे पति को मार रहे हैं। बेटे को कुएं में धकेला जाएगा तो कौन चुप बैठेगा? तुम्हारे बच्चों के साथ होगा तो चुप बैठोगे? हमने शिकायत की थी। ये लोग मुझे ही मार रहे हैं, अगर कुछ कह रहा हूं भाई, भाई मैं बताता हूं, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया है। बिना किसी बात के आखिर क्यों बोलेंगे? ये बस फालतू की बातें कर रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे पहले तो अपने बच्चे को संभालो तुम लोग, हमेशा तुम लोगों के बच्चों की वजह से गांव में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलो जाओ, जाओ तुम लोग जाओ। चलो पापा। अरे बेवकूफ, देश के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं तो सबको इज्जत देते हैं, और तेरी भाषा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्या किया है उस ठिगने के ठिगने बेटे ने? एक लड़के को कुएं में धक्का मार दिया, उसी में शामिल था। तुम चुप रहो, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा शरारत करता है। पागल हो गए हैं आप, बीच में से हटो, हट जाओ। तू इतना छोटा है, मुझसे होशियारी करता है? इधर तुझे बताता हूँ, जला दूंगा तुझे। अरे खाना तो खा के जा। ए तुझसे ही बोल रही हूं मैं, बोला ना खाना खा के जा, खाना खा पहले। अरे तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तूने खाना फेंक दिया? एक दिन इसी खाने के लिए तरसेगा ना, तब समझ में आएगा। रुको कृष्णवेणी, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो चलते हैं। आज के बाद इंतजार मत करना, मैं अकेली जाऊंगी। पर ऐसा क्यों? मेरा बैग पकड़वाना होता था इसलिए तुम्हें ले जाती थी, अब मेरे पापा ने स्प्रिंग लगवा दिया है और मेरी माँ ने तुम लोगों से बात करने के लिए मना किया है। आज के बाद तुम इन्हीं के साथ जाना। भैया एक चाय देना। हे आ जाओ बैठो बैठो, यहाँ बैठो। चाय पियोगे तुम लोग? हाँ, पियेंगे। भैया इन्हें भी चाय पिलाइए। हाँ थैंक यू भैया। क्या हाल है दुल्हे जी? hey, कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ हा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हा? किसका इंतजार कर रहे हो? बस ऐसे ही गांव घूमने निकला था। भाई तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम्हें शम्मुगम चाचा की बेटी मिल ही गई ना। सिर्फ लक की बात नहीं है भाई, पैसे कमाने से सभी की जिंदगी अच्छी हो जाती है। क्या कह रहे हो भाई? नहीं समझ में आ रहा है क्या? जब तक मैं इस गाँव में कुछ नहीं करता था कोई मेरी इज्जत करता ही नहीं था यहाँ। मम्मी पापा भी मुझे बहुत डांटते रहते थे, लेकिन अब देखो सब मेरी इज्जत करते हैं और आगे पीछे घूमते हैं, है ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पहले जब मैं अपने अंकल के यहाँ रहता था तो वो भी बड़े गलत तरीके से पेश आते थे, लेकिन अब वो अपनी ही बेटी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो गए हैं। पता है ये सब कैसे हुआ? सिर्फ पैसों से। मैं भी इसके बारे में बात करना चाहता था, आखिर तुम कैसे इतना पैसा कमाते हो? क्योंकि मुझे इस दुनिया में बंधके नहीं रहना था, मैंने अपनी माँ की ज्वेलरी चुराई और सीधे शहर चला गया।
फिर मैंने वहाँ पर एक होटल में नौकरी की। होटल का मालिक बहुत अच्छा था, वो पगार अच्छी देता। मैंने वहाँ रह करके काम सीखा, फिर अपना एक होटल खोल लिया। आज वो होटल बहुत बड़ा हो चुका है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बचपन में थोड़ा संघर्ष किया था, लेकिन आज मैं खुशी से जी रहा हूँ और यहाँ गाँव में इज्जत भी मिल रही है। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ भाई। आज मेरे पास इतने पैसे हैं ना, इसीलिए मेरी इतनी इज्जत हो रही है। सच कहूँ तो मेरी नहीं, पैसों की इज्जत हो रही है। लाइफ में पैसे कमाने चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन हाँ, इज्जत के पैसे। ये सब सुनकर तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। चलो ठीक है भाई, काम के लिए देर हो रही है, मैं जल्दी मिलता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? अरे वही प्राइवेट जॉब है भाई, मुझे पूरे दिन बैठना ही होता है, एकदम गवर्नमेंट जॉब की तरह। ठीक है, चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ, ए चला जा भाई। चाय पी तुम लोगों ने? हाँ भैया। ठीक है, मैं पैसे देके आता हूँ उन्हें। अच्छा सुनो, यहाँ से सीधे स्कूल जाना। चलो मैं निकलता हूँ। आज का दिन बहुत मजेदार है ना, अगर हम स्कूल की जगह ऐसे ही घूमते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ यार। हाँ ए, ये जो गन्ना हमने तोड़ा है ये पिछली बार से ज्यादा मीठा है ना? हाँ। अब हम लोग रोज यहीं से तोड़ेंगे। आज तुम तीनों स्कूल क्यों नहीं आए थे? हाँ ओहो, आज स्कूल बंक मार के तुम लोग यहाँ घूम रहे थे? हाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, देखना तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं, मुझसे उलझे थे ना, अब मैं तुम तीनों को मजा चखाऊंगा। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा, मेरी बात सुनता है क्या वो? स्कूल से आने के बाद बैग को घर में फेंक दिया और उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, अभी तक कुछ खाया भी नहीं उसने। विकास, ए विकास, कहाँ है रे तू? ए, अब तो ए विकास, जब भूख लगेगी तो घर आएगा ना, तब बताऊंगा तुझे। जब भूख लगेगी तो खुद आ जाएगा। चलो तुम अंदर जाओ। नालायक, ये बदमाश बिना खाए पिए कहाँ गायब हो गया? मयूर, ए मयूर, मयूर, ए मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। ए मयूर, ए कौशिक, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। कौशिक, अगर हम खुद ही पहले घर पर चले गए होते तो हमारी पिटाई नहीं होती, लेकिन अब अगर गए तो हमारे पापा हमें बहुत पीटेंगे। देखो, वो लोग हमें तभी मार सकते हैं जब हम मार खाने के लिए घर पर वापस जाएंगे। क्या चाहता है? हाँ दोस्तों, गोपी भाई की हालत भी हमारे जैसी ही थी, लेकिन उसके बाद वो चेन्नई चले गए और खूब पैसा कमाया। आज पूरा गांव इज्जत देता है उन्हें, उनकी तरह हमें भी पैसे कमाने होंगे और फिर कार से आएंगे। हाँ यार, तूने जो कहा सही है यार, पर जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्या हो गया? क्या हुआ साहब, आप इस टाइम क्यों आए? क्यों आए? अरे उनकी वजह से आना पड़ा। कौन? और कौन? तुम्हारे बच्चों की वजह से। निकालो उन्हें। ठीक है सर। छोटी छोटी उम्र में इतने बदमाश होते जा रहे हैं। चलो चलो बाहर निकलो, चलो चोरी करते हैं। चलो सच कह रहा हूँ, जल्दी करो, तीनों हमारे गांव का नाम डुबा देंगे, ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। चलो पीछे क्या देख रहे हो? चलो, ये तीनों के तीनों गाँव से भाग रहे थे। नहीं, घर से पैसे जेवर सब लेकर निकले थे, चेन्नई जा रहे थे पैसा कमाने। देखो बैग में सारा इंतजाम करके रखा है। देखो देखो देखो, बस देखो, बदमाश कहीं के, कभी नहीं सुधरने वाले ये सब। इन
नालायकों के साथ रह रहकर तू भी नालायक होता जा रहा है, तेरी अच्छे से खबर लूंगी मैं। ए, मुंह लटकाकर तब से क्यों बैठा हुआ है बता मुझे? हमारा नाम बदनाम करके यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, हाँ बोलता क्यों नहीं? हाँ शर्म नहीं आती तुझे? ओए अपने बाप के आने से पहले जाकर पानी लेकर आ, चलो उठ जा, मैं कह रही हूँ, मैंने बोला ना जा, ये लेकर जा। देखो महाराज जी आ गए, हालत नहीं देखते अपनी और चेन्नई कमाने के लिए निकल दिए। पैसे नहीं थे तो अपने ही घर में चोरी करके चेन्नई भागने गए थे, अगर वहाँ पहुँच जाते तो वहाँ भी काम कौन सा करते, चोरी ही करते। क्या हुआ, ये स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या पता, होश हो तब तो जाएगा ना स्कूल। ए, तुझे स्कूल नहीं जाना है? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, स्कूल जाना या नहीं? पापा मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। क्या कहा? ये क्या बोल रहा है? मुझे भी आपकी तरह काम करना है। चका, काम करेगा तू? नौकरी करेगा? अरे हा? ये क्या कर रहे हैं जी? छोड़ दीजिए इसे। नादान है, ऐसे ही बोल दिया इसने। बुलवाता हूँ तुझसे, रुक। सॉरी ना, अभी निकलता हूँ। क्या जी, आप ऐसे डंडा उठा लेते हैं? तू भी सुमत बोल दिया होगा ना इसने? बोला ना हर सामने से। जा, निकल यहाँ से। इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसकी उम्र में मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन तब मेरे बाप की हैसियत नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके। अरे उसने गलती से क्या? बोल दिया जी, इस बात के लिए मार निकालेंगे क्या? अरे छोटा सा बच्चा, तुम बच्चे को इस तरह क्यों मार रहे हो? समझाइए। अरे बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तुमसे मार खाकर वो हर दिन और ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। अरे नादानी में बोल दिया होगा, इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों? किनारे रखो और जाओ। कैसा लड़का है, परेशान करके रख दिया है। आखिर किसके लिए मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ? पता है पत्थर तोड़ते वक्त हाथों में कितना दर्द होता है। सोचता हूँ पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन ये मेरे साथ काम करना चाहता है। मेरे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया इसने। मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसे मजदूरी करता क्या? कभी सोचा नहीं था कि मेरे बेटे को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। जब इसे पढ़ाई करना मुश्किल लग रहा तो पत्थर कितने दिन तक तोड़ पाएगा? पापा मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। बल्ली बल्ली बल्ली, क्या हुआ? हुआ? चोट लग गई क्या? अरे रे रे, अरे रे, क्या हुआ? बल्ली यार, तू हमें दिन में 10 बार ध्यान से काम करने को बोलता है, लेकिन आज तेरा ध्यान किधर चला गया था? मैं अपने लड़के के बारे में सोच रहा था। इसका दर्द उसके अभी कुछ नहीं, जो दर्द मेरा बेटा मुझे दे रहा है। आखिर हम क्यों काम करते हैं? ताकि बच्चों को अच्छा जीवन मिले। दूसरे गांव के बच्चों को देखो, कितने अच्छे हैं वो। मेरा बेटा तो पढ़ना ही नहीं चाहता। हम लोगों की किस्मत में यही है बल्ली, समझा? हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे भी हमारे बच्चों की चिंता होती है, बहुत डर लगता है। पता नहीं वो बड़े होकर क्या करेंगे, ये सोचकर मेरी सांस फूल जाती है। ये चलो, 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 जल्दी करना, भागो, भागो, चल, चल। ये आवाज मत करना। हे इंग्लिश टीचर, चुप जा, बैठ जा। चल चल भागो, भागो, चलो चलो चल चल भागो, जल्दी चल, जल्दी करना, चल शाबाश। अरे यार मेरी मदद करो। आराम से, अच्छा आराम से, चल जल्दी कर, आ जा, चलो। माँ
दिन कितना निकल चुका है, ये अभी तक सो रहा है, कब सोकर उठेगा ये? पता नहीं, ये कल कहाँ से घूमकर देर से लौटा है जो अभी भी सो रहा है, जरा उठाओ इसे। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है इसे कैसे जगाना है। कहाँ है मेरी छड़ी? मम्मी ए, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? इसके बाप ने ट्रक में भी घर बना के रखा है। हाँ यार, हम तो अपने गांव से भाग आए थे ना। हाँ यार, हे हम आज के बाद स्कूल नहीं जाएंगे, बस मजे करेंगे, है ना? ना ट्यूशन जाने की दिक्कत, अब मम्मी पापा हमें नहीं मार पाएंगे। हे चलो बाहर देखते हैं। हाँ, आ जाओ, देखते हैं। वाह, ये देखो सूरज भी हमारे साथ चल रहा है और पेड़ पीछे जा रहे हैं। पेड़ों को बाय बोलो। मजा आ रहा है मेरे दोस्त। चलो हटो, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हे, पीछे से बड़ी जोर से आवाज आ रही है, जाकर चेक कर। उठ रे, पीछे जाके देख। कुछ नहीं भाई, सीमेंट की बोरी गिरी होगी बस। तेरे एक ही जगह बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। तो तुम कौन सा खड़े होकर काम करते हो? पता नहीं कहां से कामचोर आदमी मिल गया मुझे। हाँ? ये मेरी ही समझदारी है जो आज तुम इस जगह पर बैठे हो। सही कहा, कभी मैं इस लॉरी का मालिक था, आज ड्राइवर बन गया हूं। छे, शुक्र मनाओ ड्राइवर हो, मैं ना होता तो पंचर जोड़ रहे होते। हे रमेश, नींद पूरी हो गई हो तो नीचे आ जा। दो कप चाय दो। भाई बोलिए सर। चाय के साथ दो बन भी ले लूं क्या? रात भर बिना जागे क्या तूने गाड़ी चलाई थी? हाँ काम चोर, ले ले चल। अब ये खाकर असली ताकत आ जाएगी भाई। ये ले चाय। थैंक्स भाई, इंग्लिश भी बोलता है। ए कौशिक, बाहर जाके देखना। सुनो, जब मैं बोलूं तो एक एक करके नीचे आना। आराम से। हाँ बस छोड़ दो। ए, आ जाओ। ए, चुप जाओ, चुप जाओ। भाई लगता है दूसरे टायर में हवा कम है। ए, उतनी हवा काफी है, आजा आजा, हम अगले पेट्रोल पंप पे हवा भरवा लेंगे। आ और चाय पी ले जल्दी। अरे जल्दी आ। अरे आ रहा हूँ, हमेशा जल्दी करते रहते हो आप। हाँ ठीक है, आजा। बच गए। ए आ जाओ, आराम से, आराम से। ए, जल्दी चलो यहाँ से। चलो चल चल। हाँ, चलो भागो, चल जल्दी। फाइनली हम शहर पहुंच गए। चल चल। ए, वहाँ कपड़े की दुकान है। चल हाँ, चलो अंदर चलते हैं। अंदर चलकर कपड़े बदलते हैं। हे, अब ठीक है ना? हाँ। बताना कैसा लग रहा हूँ मैं? मेरी शर्ट सबसे अच्छी है, समझा? मेरे ज़्यादा। चल चलते हैं। चल।
ए मयूर, हम यहीं सो जाते हैं यार। ठीक है भाई। अरे विकास, हमारा बैग गायब है। अरे यहीं तो रखा था। अरे क्या हुआ यार? अरे मयूर, बैग गायब हो गया। बैग गायब हो गया? बैग कौन लेकर गया होगा? देखो, चलो यहीं कहीं होगा। चल के देखते हैं। ऐसे देखो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो आ जाओ। वहाँ देख ध्यान से। देखो कहीं होगा। यहीं पर तो रखा था। अब क्या होगा? मैंने सारे पैसे बैग के अंदर ही डाले थे। यार बिना पैसे के हम क्या करेंगे? यार ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? सोचो हम लोग खाली पेट कैसे रहेंगे। हाँ यार विकास, क्या करें अब हम। अरे विकास, मुझसे और नहीं चला जा रहा, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे भी। कुछ जुगाड़ करते हैं ना। हे, तूने मेरा अंडा कैसे उठाया? मैंने तेरा अंडा कब लिया? ये मेरा अंडा है। ये मेरा अंडा था, मेरा अंडा है। तूने लिया था। मैंने कहा ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ ऐसे बोलेगी? मेरा अंडा है ये। क्या करेगा तू? मुझे मेरा अंडा वापस कर। तुम लोग क्या हुआ? भाई ये मेरा अंडा है, नहीं दे रहा ये। खाना पीना बहुत हुआ, तुम लोग चलो 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 आ जाओ। पूरे टेबल को गंदा कर दिया इन्होंने। चलो चलो चलो। क्या हुआ सत्या? ये लोग लड़ाई कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर इसने मेरा अंडा खा लिया सर। ए, इन्होंने पैसे दिए? नहीं साहब। चलो पैसे दो। सर वो मेरा दोस्त देगा सर। उसको यहाँ लेकर आओ। जाओ। ठीक है। ए, वो दोनों तुम्हारे ही दोस्त है ना? चलो चलो जल्दी चलो। एक बार में सुनाई नहीं देता। चलो चलो। ये रहा भैया। ये दोनों तुम्हारे दोस्त है क्या? अंकल, ये बोल रहे हैं कि खाने के पैसे तुम दोगे। पैसे दो। इधर उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? ए, क्या हुआ? ए विकास भैया, निकालो मेरे, जल्दी निकाल पैसे। अंधे हो क्या तुम लोग? देख कर नहीं चल सकते हो क्या? ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? सर इन लोगों ने होटल में खाना खा के पैसे नहीं दिए। बिना पैसे दिए क्यों भाग रहे थे? सर हमें बहुत भूख लगी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे देने? 300 रुपये सर। सर चेंज रख लो अपने पास, पैसे नहीं थे इसीलिए भागे थे ना। चोर मत समझना इनको, जाओ आप। थैंक्स सर। कहाँ रहते हो तुम सब? धर्मपुरी से सर। यहाँ क्या करने आए हो? काम की तलाश में आए हैं। ये उम्र है काम करने की? माँ बाप नहीं है क्या? पापा नहीं है सर। क्या काम आता है तुम्हें? कोई भी काम होगा हम करेंगे सर। ठीक है, तुम सबको एक काम दूंगा मैं। ठीक है, चलो कार में बैठो। थैंक यू सर। चलो बाहर आओ। ए मूर्ति, जाके कार पार्क कर दे। हाँ। और लड़कों को अंदर लेके आ। ठीक है भाई, आओ आओ, चलो अंदर आ जाओ। अरे जल्दी पानी भरो ना, हमारी भी बारी आ रही है। नहीं, क्या देख रही है? देखो इस औरत को, कैसा राक्षस पैदा किया है इसने, जो मेरे बच्चे को बहला फुसला कर पता नहीं कहाँ जहन्नुम में भगा ले गया है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तमीज नहीं सिखाई क्या माँ बाप ने? अगर मैं कहूँ तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को भगाया तो क्या कहोगी तुम? हाँ मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, पहले ही तुम्हें बता देती हूँ। अरे हाँ, इन सब की जड़ तेरा बेटा और तेरे बेटे को बिगाड़ने वाला इसका बेटा, उनके चक्कर में मेरा बेटा पिस गया। तेरा बेटा तो इन सबका नेता है। चुप होकर निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे चाबी से मारूंगी। नेता है जी, बेचारे तुमने मेरे को फंसा दिया। निकल यहाँ से, जाने तो मुझे मारूंगी। तू मुझे मारेगा क्यों अभी? लोग
हाँ, खा पी कर आराम कर लिया ना? हाँ, हाँ भैया। तुमने खाया? हाँ खा लिया। तुम लोगों को यही काम करना है? ठीक है भैया। ठीक है ना? इसके बाद मैं दूसरा काम दूंगा। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है ना? हाँ। ए मूर्ति। हाँ भाई। ये सभी बच्चे अनाथ हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है ना? ठीक है भाई। कोई परेशानी ना हो? नहीं होगी भाई। तुम सब यहीं आराम से रहो, कोई चिंता नहीं। देखो बच्चों, तुम्हें अच्छे से काम करना पड़ेगा, समझ गए ना? और सुनो, शुरुआत में बर्तन भी धोने पड़े तो मुंह मत बनाना, क्योंकि बाकी के काम तुम नहीं कर पाओगे, समझ गए? जैसे जैसे काम सीखोगे लेवल बढ़ता जाएगा, बाद में कार बंगला सब कुछ मिलेगा, तुम ऐसे गरीब बनकर नहीं रहोगे, समझ गए ना? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब जाओ और अच्छे से काम पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। हम अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, चल। यार ये मुझे देना। अरे दीदी, आओ आओ, जरा इधर आओ ना। क्या है बहन, मेरा बेटा आया था क्या? नहीं तो। अरे ठीक है बहन। भैया कौन है? भैया। अच्छा तुम हो क्या? मेरा बेटा लापता है। हाँ। मैं ये देखने आया था कि कहीं वो यहाँ तो नहीं आया, आपने देखा है उसे? यहाँ तो कोई नहीं आया बेटा। नहीं आया? कहीं और पता लगा। हाँ। 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 कहाँ गया होगा? अरे बहन। हाँ? मेरे बेटे को कहीं तुमने देखा है क्या? नहीं भैया। इस तरफ आया था क्या? इधर तो नहीं आया। नहीं आया था? कहाँ गया होगा? भाई मालिक आ चुके हैं, आज सबका हिसाब करेंगे। अच्छा। भैया इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? आज मालिक हमें पैसे देंगे। अरे वाह, आज हमें पैसे मिलेंगे यार, जल्दी से हाथ धो के चलो ना। हे, हम ऐसे ही पैसे जोड़ेंगे और एक दिन गोपी भैया जैसे गांव जाएंगे। अरे उनके जैसे नहीं, हम तो कार में जाएंगे। हाँ हाँ सही कहा। ठीक है मालिक, चलता हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? सैलरी लेने आए हैं सर। यहाँ सिर्फ काम करने वालों को सैलरी मिलती है। भैया हम भी तो यहाँ पर काम करते हैं ना। हे, ये बात तुम लोग बाहर कहीं बोल मत देना, पुलिस चाइल्ड लेबर केस में मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। तुम लोग कोई वर्कर नहीं हो, मेहमान हो मेरे तुम लोग। मूर्ति, ये बच्चे बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। इन्हें वो सब दो जो ये चाहते हैं। समझ गया ना? समझ गया भाई। जा। चलो आओ। भैया हमें अकेले में आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे लगता है भैया हम तीन गुना ज्यादा पैसे देने वाले हैं, सबके सामने देंगे तो लोग पूछेंगे ना उनसे, है ना भैया? हाँ मेरे प्यारे, तू बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इन सब में तू ही समझदार है। चल अब आ जा। बताता हूँ, मालिक के सामने खड़े होने से भी लोग कांपते हैं, और तुम लोगों को सैलरी चाहिए? और तू क्या कह रहा था रे बौने, तुझे तीन गुना सैलरी चाहिए? अब भी देता हूँ सैलरी तुम्हें, तीन गुना क्या, मैं तुम्हें पांच गुना सैलरी दूंगा। सैलरी मांगोगे? सैलरी मांगोगे? सैलरी मांगोगे? ऐसे चाहिए? तीन गुना चाहिए? तीन गुना चाहिए? ये ले तीन गुना, और चाहिए? दोबारा सैलरी मांगने की इच्छा हो तो मुझे बताना, अगली बार दस गुना दूंगा। मालिक से सैलरी मांगते हैं, अगली बार सैलरी मांगी तो काट के रख दूंगा। सैलरी चाहिए? मेरे पापा ने भी कभी मुझे ऐसे नहीं मारा जैसे ये हमें मार रहा है। नमस्ते सर।
हाँ नमस्ते। सर ए छोटू। जी भाई। जरा साहब के पास जा। हाँ ठीक है। एक सेकंड में मेरे महीने भर की कमाई चली गई। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। बिना पूछे बाहर जाओगे? बाहर जाना है। एक एक को मार डालूंगा। तुम्हारा कदम बाहर मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर जाएंगे। इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो एक एक को काट डालूंगा। रोना बंद करो। कौशिक बेटा। क्या मेरा कौशिक? क्या बात? कौशिक, अरे रे, मेरा बेटा। अब शांत हो जाइए, रोइए मत, वो जरूर आएगा। अब सो जाइए। मेरा बेटा। सो जाइए। मेरा कौशिक कहाँ? हमें उसे उठा लेना चाहिए। रुको, मैं चेक करके आता हूँ। हाँ, चल चलते हैं। चलो निकल चलते हैं। चलो। ए तू रुक जा, पहले मुझे चढ़ने दे। हाँ ध्यान से। हाँ जल्दी कर। ऊपर ला। संभाल के चढ़ना। अब वो दे जल्दी। दो कर दो मुझे। ये ले। दे जल्दी। पकड़। चल जल्दी कर। जल्दी काट। हाँ काट तो रहा हूँ मैं। काट जल्दी। जल्दी कर, क्या कर रहा है? जल्दी हाँ, कर। शांत हो जाओ। जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। जल्दी निकलना यहाँ से। ये लो, काटो। जल्दी काटो। ठीक है। चल जल्दी कर। काटो। जल्दी कर। काटो जल्दी। फटाफट जल्दी कर, टाइम नहीं है। काटो। जल्दी कर। हमें निकलना है। जल्दी कर। तू जल्दी कर। अरे काटो जल्दी। ना थोड़ी देर और। जल्दी करना होगा। अरे काटो जल्दी। क्या हुआ? क्या और चाहिए? ऊपर कर। अगर तुम लोग कभी इसके साथ दिखाई दिए तो जान ले लूंगा। मैं चोर हूँ। चोर? अब कहना क्या चाहते हो? चोरी के केस में जेल गया था, लेकिन मैं जेल से सजा काट कर जब वापस लौटा तो मेरे घर वालों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। केवल यही मालिक हमें यहाँ लेकर आए और बोले कि हमें यहाँ नौकरी देगा। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जेल इससे भी ज्यादा अच्छी जगह थी। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं आज सालत में नहीं होता।
पापा। नमस्ते भैया। हाँ वाह पंडित, बहुत दिनों बाद दिखे हो। अरे आपके काम तो बैठे बैठे हो जाते हैं, लेकिन हमें तो भाग दौड़ करनी पड़ती है। आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। चेन्नई में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। जाकर कुछ मिला क्या तुम्हें? लगता है आपको किसी चीज की जरूरत है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 3 नमूने फ्री में मेरे पास आ गए हैं। कहाँ है वो? अंदर ही है, आओ मिलाता हूँ। देखो इन सबको कैसे मन लगा के काम कर रहे हैं। मुझे ही मिल जाते भैया। गांव में कौनो प्रॉब्लम आती है, आप उसे आसानी से हल कर देते हैं। आपके यहाँ आने से पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्री के शराब के लिए तारीफ कर रहे हो? अरे नहीं भैया। वाह क्या बात है, आज आप लोग इस तरफ। आप लोग यहाँ तो कभी आते नहीं हो। उनकी वजह से आना पड़ा भाई। क्या कहा? 1 महीना होने को आया है, अभी तक लड़कों को ढूंढ नहीं पाए क्या? हमने हर जगह उन्हें तलाश किया, दोस्त हो या दुश्मन सबसे पूछा हमने, फिर भी कुछ पता नहीं चला। वो सब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। उनका फोन वोन तो आया होगा किसी को? अगर उनका एक बार फोन आ जाता तो भी तसल्ली हो जाती हम लोगों को, लेकिन एक फोन भी नहीं आया। बच्चों को पीट के गलती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, सुबह शाम पत्थर तोड़ते हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। अब किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वो कैसे होंगे। तुम लोगों ने पत्थरों की तरह अपने बेटों को पीटा भी तो था। पत्थर तो टूटने के बाद ही काम में लाए जाते हैं ना, नहीं तो वो किस काम के। मुझे तो अपने बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने में कुछ भी गलत नहीं लगता, नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे। अगर हम उन्हें इसी तरह ढूंढते रहे तो हमारे घर की देखभाल कौन करेगा, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। भाई, अरे भाई रोइए मत। अरे कहाँ जाएंगे वो लोग, अरे कहीं भी होंगे वापस यहीं आना है उनको, दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा एक टाइम खाना नहीं खाता है तो वो तड़पने लगता है, भाग कर आता है किचन में खाने के लिए। अभी वो कहाँ पर होगा, किस हाल में होगा, हमें कुछ पता नहीं है। बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे भी लगी है यार। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ के गंदे बर्तन कौन धोएगा? भैया हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अगर भूख लगी है तो खाओ ना। वहाँ खाने को कुछ खाना नहीं है भैया। ये लो खा लो। ए, रुक जा, इसे मत खा। मुझे बहुत भूख लगी है, ये खाना ही पड़ेगा। खा लो यार। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तूने खाना फेंक दिया? एक दिन इसी खाने के लिए तरसेगा ना, तब समझ में आएगा। ध्यान से खाओ। मेरे बेटे को मेरी याद आ रही होगी, पता नहीं किस हाल में होगा। क्या जी, बिना मेरी बात सुने उसे कितना मारते थे। समझाने का तरीका होता है ना,
कुछ नहीं होगा उसके साथ। अगर वो सही सलामत घर वापस लौट के आ गया तो भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। एक काम करो, भैया के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। खाना खा लो। सुनो भाई, यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, कल मैंने उनको बोला था, पक्का यहीं मिलेंगे। भैया, कृष्ण भैया, थोड़ा जल्दी आओ यहाँ पर। आ रहा हूँ। आओ भाई, साथ ही चलते हैं। तुम सब जाओ, मैं सरपंच जी के साथ आता हूँ। वो किस लिए? बच्चों की फोटो है हमारे पास, बस आप हमारे साथ चलिए। क्या लगता है तुम उन्हें फोटो दोगे तो तुम्हारा केस लिख लेंगे? तुम लोग जाओ, मैं सरपंच जी को लेकर आता हूँ। जरा जल्दी चलिए भैया। उनके एक इशारे से पुलिस हरकत में आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। नमस्ते सर, आइए आइए। अचानक इधर कैसे आना हुआ? बैठिए। क्या बात है सर? उन बच्चों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उनका हिसाब तो कर दिया था ना मैंने, अब क्या बचा? एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? हाँ, बात क्या है, साफ साफ बताइए। अच्छा, क्या ये वही लड़के हैं? जा लेकर आना। ठीक है भाई। ये मामला पुलिस स्टेशन आ चुका है। तुमने तो कहा था कि वो अनाथ है, उनका अपना एड्रेस है, पता है? भाई, आपको तो सब कुछ पता है, हमारे स्टेशन में 15 लोगों का स्टाफ है। परेशान मत होइए, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सर, हम सब कुछ संभाल लेंगे। चलता हूँ। कहाँ है वो तीसरा? हमें नहीं पता। कहाँ गया वो? कसम से सर, हमें नहीं पता। तुम दोनों ने उसे भेजा है? हमें नहीं पता। तुम्हारे साथ ही तो रहता था वो। सच में सर, हमें नहीं पता। भैया, हम सच बोल रहे हैं। ए, ज़्यादा घुमाओ मत। सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी बात का विश्वास कीजिए। चुप करो। क्या हुआ भाई? कहाँ है वो? फिर से तुम्हारा वही शुरू हो गया? इनकी खातिरदारी हो चुकी है, इनमें से एक लड़का गायब है। अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई ना तो तेरी जिम्मेदारी होगी। ए, कहाँ है वो? भैया, आपने तो उसे कल टंकी साफ करने के लिए भेजा था, तब से वो नहीं आया। भैया एक मिनट रुको। भाई, लगता है वो लड़का भाग गया। कहाँ गायब हो गया? अगर वो वापस नहीं आया तो तू याद रखना, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। चल निकल। मटका गिर ना जाए, ध्यान से। हाँ ठीक है, जा। सुनो भांजे श्रवण। क्या हुआ चाचा? यहाँ आओ। पता नहीं क्या बात करनी है इन्हें। अरे कब आए आप? अभी तुरंत आया। तुम ऐसा क्यों करते थे? सुना है कि उसके बाप के पास बंदूक है, थोड़ा ध्यान से रहना। अरे चाचा, यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता, एक लड़की मुझे पसंद करती थी इसलिए उसे यहाँ ले आया। चाचा एक बात बताऊँ, सच्चा प्यार बहुत ही नसीब से मिलता है। एक आदमी को चाहिए क्या? कोई ऐसा हो जो उसे सच्चा प्यार करे, तो वो मुझे कर रही है ना। चलता हूँ चाचा, बाय। भैया, ए, यहाँ बैठ के सो रहा है तू? ओ, गलती से आंख लग गई। इन पे ध्यान रखना। हाँ ठीक है भाई। उधर देख। क्या है? अरे देखना। ए, चल हम भाग चलते हैं। ठीक है। हाँ,
है, कहाँ जा रहा है? भैया हम बाथरूम जा रहे हैं। जाओ जल्दी लौट कर आओ। ठीक है। ए, लड़के कहाँ गए? अरे वो वहां पर है। मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था ना। हाँ गलती हो गई भाई। चल देखते हैं। कहाँ गए? कहाँ चले गए पता नहीं। ए, ए, रुको, रुक जाओ। दौड़ते रहो, रुकना मत। रुक जा, जल्दी भाग। रुक जा, नहीं तो मार डालूंगा। भागो मत, जल्दी कर और तेज भाग। मैंने बोला रुक जाओ, वो हमारे पीछे ही है। ए, रुक जा, चल। ए, रुक जा, चला जा। चलो इस तरफ। हाँ चल चल। क्या वो तुम्हें ही ढूंढने यहाँ आया था? हाँ भैया। वो क्यों ढूंढ रहा है तुम्हें? वो हमसे काम करवाता था और हमें बहुत मारता भी था, इसीलिए हम वहाँ से भाग आए। कहाँ के रहने वाले हो? धर्मपुर से। क्या करने आए हो यहाँ? नौकरी करने आए थे। इस उम्र में नौकरी के लिए निकले हैं ये लोग? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो हम लोग अनाथ हैं। ठीक है, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम दिलवा दूंगा, लेकिन काम तो कर पाओगे ना? ठीक है, हमें पैसे तो मिलेंगे ना? ये लोग कितनी बातें करते हैं। खरे क्यों नहीं मिलेंगे, बस काम मन लगा के करना होगा। भैया आप हमें मारेंगे तो नहीं? मेरे यहाँ रहते हुए कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इन्हें घर लेके आ जाओ। हे हटना, मुझे दिखने देना। पहले मुझे करने दे। एक तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये क्या बदमाशी कर रहे हो तुम लोग? चलो आओ बैठो, खाना खा लो। अच्छे से खाना। ये क्यों कहा हम अनाथ हैं? अगर हम उन्हें सच बोल देते तो वो हमें गांव भेज देते हैं। एक दिन हम घर लेट से पहुंचे तो हमें कितनी मार पड़ी थी। अब तो हमें एक महीना हो गया है, अब जाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी। इसीलिए हम गोपी भैया की तरह पैसा कमाएंगे फिर वापस गांव जाएंगे। हाँ सही कहा, सही कहा। बेचारा मयूर घर जाके बहुत मार पड़ी होगी। क्यों? हाँ खाना खा लिया? हाँ भैया खा रहे हैं। ये लो, ये लो कपड़े हैं, ये लो जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। नए कपड़े कितने बढ़िया है ना। अच्छा सुनो, कंपनी में दिल लगा के काम करना। मैं तुम्हें यहाँ काम दिला दूंगा, यहाँ अच्छे से काम करना। और सुनो तुम लोग मेरे पास मत आना, यहाँ काम दिला रहा हूँ, मेरा नाम मत खराब करना। हाँ ठीक है, दिल लगा के काम करना। और सुनो कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हे श्रवण आ जा। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जाएं। चलो मैं इन लड़कों को मैनेजर से मिलवा के आता हूँ। चलो तुम लोग अंदर चलो। आ जाओ।
क्या हाल है? अरे सरवन, आ जाओ, ये तुम्हारे साथ बच्चे लोग कौन हैं? मेरे पहचान के लोग हैं। अच्छा, आप इन्हें यहाँ कुछ काम दे सकते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है सरवन, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, ये बेचारे बहुत ही मुश्किल में हैं, कुछ ही दिन की तो बात है। ठीक है, इन्हें अपने सेक्शन में कपड़े फोल्ड करने के काम में लगा दो। थैंक यू सो मच। ओके सरवन, चलता हूँ। हाँ जाओ, चलो भाई, चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो चलो। थैंक यू, अब जाओ। दीदी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, तो आपने उन्हें कैसे पसंद कर लिया? क्योंकि उनमें इंसानियत है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों? हे श्रवण, बोल दिया क्या? हे भाई, सॉरी, दिखता नहीं है क्या? अरे कहाँ था तू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। तो फिर फोन कर लेना चाहिए था। ऐसी बातें फोन पर थोड़ी होती है। क्या बात है? मेरी शादी तय हो गई है। हे, लड़की कहाँ की है? यही पास में रहती है। बहुत अच्छे। मुझे वहां जाना है, मेरे साथ चलो ना भाई। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हें साथ लेकर जाऊं। उन्होंने कहा है? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ, रमेश का रिश्ता भी सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है, सब आपकी मेहरबानी है भाई। ठीक है, मैं चलूंगा। थैंक्स भाई, आना जरूर। आप भी भाई, भाई भूलना मत, आना जरूर। चलिए बाय। तुझे पता है ये तुझे क्यों बुला रहा है? क्यों, क्या हुआ? कोई मेहरबानी वाली बात नहीं है, वो तेरा इस्तेमाल करना चाहता है। तेरे वहां जाने से उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इसीलिए वो तुझे वहां बुला रहा है। जानता हूं वो किस लिए मुझे बुलाने आया था। अगर किसी को मेरे होने से जरा सी खुशी मिल जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसने मुझसे मेरा समय ही तो मांगा है, मैं ये भी नहीं दे सकता क्या? मैं जरूर जाऊंगा। तू महान है भाई। सुन भाई, इस मंदिर में मैं तुझे बोल रहा हूं, तेरे लिए उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी, मेरी बात याद रखना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड 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 मॉर्निंग सर। हे, नए कपड़े हैं, ऐसे कोई लेके आता है क्या? नहीं, ठीक से लेके आया कर। मैंने फिर से फोल्ड कर दूंगा। ये भी ऐसे ही लाया है। अरे अरे सरवन, तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? बहुत सही चल रही है, मन लग रहा है इन लोग का। ठीक है ठीक है, मन लगाकर काम करो। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। भैया, हर कोई इनकी रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रहे थे? ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो फिर ये मैनेजर कैसे बन गए और आप यहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? वो पढ़ने में होशियार था और मैं पढ़ाई से भागता था। तो सिर्फ पढ़े लिखो को ही इज्जत मिलेगी क्या? अगर तुम लोग भी पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। सच में यही बात है क्या? पढ़ाई की इज्जत है, नहीं तो हमारी जिंदगी बिना नमक के खाने की तरह हो जाती है। तुम बिना थके इतना काम कैसे करती हो? बस ऐसे ही। ठीक है भैया। बाय। देखो कितनी बड़ी छिपकली है। यहाँ किसी ने देख लिया तो? ओ, किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा?
मार डालू। तुम्हारी यही अदा तो जान लेती है। चलो कोई बात नहीं, बैग उठाओ, घर चलते हैं। आ जाओ जल्दी। जल्दी आओ। आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे आओ ना। आ रही हूँ। वेट एक मिनट। वैसे भी तुम हमेशा अच्छी लगती हो। की बेटी आपके घर पर होगी। पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो। एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करके आपसे मिलता हूँ। कौशिक चल भाग यहाँ से। चल 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 जल्दी कर। चल चल जल्दी। रुक जा। मेरी मदद करो। पकड़ो उसे, पकड़ो। चल चल भाग भाग। चलो जल्दी आओ। चलो जल्दी कर। मुझे डर लग रहा है। चलो अब चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ए, उधर जाके देखा भाई। जी भाई। अरे वो बच्चे कहाँ गए? आओ कैसे भी कर कर उन्हें ढूंढो और जान से मार लो। ए, जाओ जाकर देखो उधर। देखो चले गए क्या? हाँ, चलो चलो। जल्दी कर, जल्दी चल। चलो कार के अंदर बैठ जाते हैं। निकल जाना चाहिए। हाँ सही कहा, लेकिन हम यहाँ फंस चुके हैं। दरवाजा खोल। माँ,
तो बताओ, तीनों लड़के तुम्हारे होटल में काम कर रहे थे, तुमने गैर कानूनी तरीके से लड़कों को काम पर रखा और उन्हें गाली दी, और उसके बाद दो बच्चे भाग भी गए, इसके साथ तुमने क्या किया? सर, ये तो पहले ही अपने गांव चला गया था। ए कांस्टेबल, लेकर आओ उसे। इसे तो जानते हो ना तुम, बताओ क्या किया उसका तुमने? बताता हूं सर, सब कुछ शुरू से बताओ, बताओ। बताता हूं सर, अयोध्या पूजा की एक दिन पहले की बात है, मेरे आदमी ने उसे टैंक साफ करने के लिए बोला था, सफाई के दौरान इसका पैर फिसला और टैंक में गिर गया और उसी में मर गया। दो दिन बाद पानी से बदबू आने लगी, तब मैंने अपने आदमी को टैंक में जाकर देखने के लिए बोला, तब पता चला उसकी लाश उसमें पड़ी हुई है। अगले दिन मैंने होटल के स्टाफ को छुट्टी दे दी और अपने आदमियों को बोला कि उस लड़के की लाश को ठिकाने लगा दें। उसी टाइम पर बाकी दोनों लड़के भी भाग गए और फिर हमने डेड बॉडी को होटल के पीछे ही दफना दिया ताकि बाहर भी किसी को इस बात का पता न चले। यही सब हुआ था सर। मैं ये स्टेटमेंट तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। सुनो, इसके खिलाफ FIR दर्ज करो और इसे लॉकअप में डालो, मैं स्पॉट पर किसी को भेजता हूँ। कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? अच्छा तुम्हारा, आ जाओ। हाँ कोई बात, क्या हो गया सर? परेशान मत, शांत हो, शांत हो, ठीक है, ठीक है, शांत हो, शांत हो, सब ठीक है, शांत हो, शांत हो जाइए, कुछ नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आराम से, आराम से, पापा, आराम से, कहाँ चला गया था? चला गया था पापा, मुझे मारना, कहाँ चला गया था? मेरा राजा, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, रहने दीजिए, ऐसा मत करिए, उठिए उठिए उठिए, अरे कोई संभालो इन्हें, हाँ यार ये तो हमारा काम, उठिए उठिए, हाँ क्या कोई इस लड़के को पहचानता है? कोई है? ये तो मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है मयूर। ओ आपका बेटा है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मयूर? यहाँ आ जाइए सर, बुलाइए ना उसको, एक मिनट, यहाँ आ जाइए, हाँ आइए आइए सर, बुलाइए ना सर, आइए आइए सर, अरे आप बुलाइए, अरे आप इस तरफ तो आइए, आइए ना, कहाँ है वो? आइए आइए, गाड़ी में है, मेरी बात सुनिए सुनिए, मयूर 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 मयूर, बेटा मयूर, बेटा मयूर, बाहर निकल बेटा मयूर, भैया आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, मेरा बेटा मेरी डर की वजह से छुपा हुआ है ना, अब मैं उसको नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा, आप शांत हो जाइए मयूर, मयूर शांत हो जाइए, मैंने कहा शांत हो जाइए, बेटा बाहर आ जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, भैया बिल्कुल नहीं मारूंगा, अरे शांत हो जाइए, अरे आप उसे बाहर क्यों नहीं बुला रहे? मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? भैया मयूर शांत हो जाइए, मयूर पीछे रहिए, शांत हो जाइए, कहाँ है वो? शांत हो जाइए, बेटा बाहर आ जा, Thank you.
हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया? क्या टीवी चालू कर दिया? ये कोई टीवी देखने का टाइम है क्या? ए, मैंने ही टीवी चालू किया है। उससे कुछ भी बोलना मत हाँ। स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ना वो स्कूल जाएगा, ना ही उससे हम घर पे कोई काम करवाएंगे। जिसमें उसकी खुशी है वही करेंगे। मरते दम तक मैं उसे कमा कर खिला सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो हाल मयूर का हो वो इसके साथ कभी हो। अरे क्या हुआ? मैंने तुमसे मना किया था ना कि टीवी बंद मत करना। शिक्षा के अंदर दुनिया को झुकाने की ताकत होती है। जो काम हम शरीर से नहीं कर सकते वो शिक्षा से कर सकते हैं।